स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, तू क्या मुख लेके जाएगा। भैया हर चीज लिखी जा रही। एक सरप्रेरणा ने मुझे कहा, अरे महाराज ये सब बकवास हैं, इतने आदमियों का हर एक काम लिखा जा रहा है, यमराज के पास कितनी ब्रेड है, एक आदमी के पूरी 24 घंटे के काम लिखने के लिए 3 एम्प्लॉयड भी लगा हो तो मेरे भाई पूरा नहीं लिख पाएंगे, और पूरा जीवन का सब लिखा जा रहा है, कहाँ से कलम ला रहे हैं, कहाँ से कापी और कागज़ कहाँ बन रहे हैं, दवात कहाँ से बन रहे हैं। मैं बोला आज तुझे सब फैक्ट्रियाँ दिखाऊँगा कि कहाँ से कलम बन रही है, कहाँ से कागज़ बन रहा है, कहाँ से क्या है, बोला दिखाओ। मैं बोला तुमने ज़िंदगी में जो जो काम किए याद हैं, बोला हाँ। मैं बोला तेरे खोपड़ी में एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, तुम जो जो कर रहे हो उसमें सब रिकॉर्डिंग होती जा रही है। यमदूत यहाँ अंधे कानून की तरह नहीं दिखाएगा तमाशा मारा या नहीं गवाही दे, नहीं उधर रिप्ले एक्शन में दिखाएंगे धराम से तमाशा मारा, ठीक है, वहाँ कोई गवाह नहीं चाहिए, गवाह तो आजकल बदलते, डिले डिफीट टू जस्टिस, वहाँ साफ साफ दिखाया जाता है, और उनको फिर बताया जाता है वेदों में लिखा है इस पाप का ये दंड है, तू पहले क्यों नहीं चला कानून पर, अभी भी बैलेंस करोगे तो यहाँ भी कानून के अनुसार दंड के अधिकारी है। मैंने कहा भैया वो चिप निकालते हैं और वो लगा देते सॉफ्टवेयर में, तेरी पूरी जिंदगी की कहानी दिखा देते विद इन 2 मिनट, इंसान चालाक है। आपने कुछ ऐसे काम किए माँ बाप को भी नहीं पता चलने दिया, पत्नी को भी नहीं, पत्नी ने ऐसे काम किए होंगे जो हस्बैंड को भी नहीं पता, लेकिन चिप ने पूरी पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी है। जब इंसान यहाँ पर ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है तो वो दुनिया बनाने वाले के पास कोई अभाव है, नहीं बजा पाना, इसलिए सब बनता है। वाह वाह, दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है, समझाने वाला सरल हो तो दुनिया समझ जाती है। हमने दुनिया के मोर देन मिलियन लोगों को समझा दिया कि पाप ठीक नहीं है, नशा ठीक, समझ गए, हमारी शैली सरल थी, हमने उन्हें समझाया। अब आप किसी चीज़ का पैसा नहीं लेने वाले, किसी को परेशान नहीं करने वाले, किसी को दुख, मालिक खूब देता है यार। हाँ भाई मदम लोन, अब ठगी करोगे क्या किसी से, कोई मांस खिलाए खा लोगे क्या, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत कर, होए भक्ति में हान। अपने पास पूरा क्या है, प्रत्यक्ष मामला है, लाइव प्रोग्राम है। मैं ये कहना चाहता हूँ बस उस परमात्मा का एक भरोसा रखो, एक सत्ता है, वन गॉड वन लॉ वन इवेंट एंड वन पार्ट डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स, एक ताकत चलाने वाली है आपके साथ है, जिस दिन गुरु नाम देता है उससे आपको जोड़ता है, जिनको लगता है एक ताकत अपने साथ है हाथ खड़ा करो, अपन खाली डब्बा नहीं बजा रहे हैं यार, कुछ है मतलब, इसी क्रिया को नाम दान करें, तो बस विश्वास रखना, ये नर्क के साथ द्वारे संभलना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, और भी गिरजाघर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये खास खुदा का घर है। किसी दुर्बल को मत सताना, उसके पास बहुत बड़ा आइटम बम है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, ताकतवर से तो 2 गौतम बुद्धि हुई, 2 उसने मारी, 2 आपने मारी बरोबर, लेकिन दुर्बल के पास जो हथियार हैं बड़ा शक्तिशाली है, वो क्या है साहब, दुर्बल को न सताइए, लड़ना तो किसी से भी नहीं, जीतने में भी घाटा हारने में भी घाटा, आप आज इसको पिटाई कर दोगे, इसका बेटा दिमाग में रखेगा मेरे बाप को मारा इसको छोड़ूंगा नहीं,
तो हारना भी जीत बुरा है, जीतना भी बुरा है, झगड़े को अवॉइड करना है। आप झगड़ा नहीं करना, दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, इसकी हाय बड़ी खतरनाक है, बिना सांस की फूकनी लोहिया देत गला है, इसकी आह तुम्हारा जिगर चीर देगी। मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आह ले, दिल के दुख जाने से हर्फ भी हिल जाते हैं, कुदरत भी हिल जाती है, इसलिए किसी को दुख नहीं देना। मन मिले का मेला ना, तो सबसे भला अकेला बाईपास कर दो, जिससे नहीं बनती है बस ध्यान हटा दो, बस जीने की कला है, तुम जीने की कला सीख लो। घबरा इस संसार में दो बातें सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख है। आपकी अकल प्रारब्ध के अनुसार हुई, कर्म का टारे ना ही टारे, गुरु जिस दिन नाम देता है पिछले पूरे कर्म धो देता है। आपको दो तरह की रुकावटें निरंजन देगा भक्ति में, तो साहब कह रहे हैं सहज जन जानो, साहब की प्रीत यह आसान नहीं है। तब साहब क्या करे, शीश उतारे भूई धरे, तिस पर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आ, शीश उतारे भूई धरे, यानी अपना सर काटे तब मेरे पास आ सकता है, नहीं तो नहीं। अब सार काटने का क्या है, अहंकार छोड़ो, तुम्हारी निंदा तो होनी होनी है, एक पूरी लाभी लामबद्ध होगी जब तुम भक्ति में आओगे, क्योंकि खट दर्शन अपना काम कर रहा है, ये खट दर्शन भक्ति का संचालन करता है। योगी जंगम तांत्रिक सेवड़े, ये उनको सेवड़े कहते हैं, तांत्रिक सियाणे चेले झाड़ा फूकी वाले अघोरी, ये सब सेवड़े कहलाते हैं, ये विरोध करेंगे पक्का। क्यों करेंगे, कि इनका काम ही है लोगों को भ्रमित करना, फिर तंत्र मंत्र में उलझाना। इसलिए जो इंसानों को भ्रम से बाहर निकालेगा उस महात्मा को मार डालना चाहते हैं। तो ये इनको कहते हैं सेवड़ा, और चौथा कर्मकांडी, वो परेशान होगा। कर्मकांडी क्या, ब्याह संस्कार कराना, जन्म संस्कार कराना, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मृत्यु संस्कार, इससे आए हैं काफ़ी। जीव का उपार्जन का साधन है, वो बुरा माने, अनायास ही दुश्मनी साधेंगे, कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो घोर विरोध करेंगे। आपकी घेराबंदी करेंगे, समाज में आप ये मानसिक हमला बड़ा खराब होता है। मैंने एक बात बोली है कि हमले तीन होते हैं, एक फिजिकल, उसमें हथियार से डंडे से गोली से बम से हमला करना फिजिकल, दूसरा है फाइनेंशियल, पैसे का। इसलिए अमेरिका जिससे बदला लेता है पहले उसका आर्थिक नाकेबंदी कर देता है, जब कंगाल हो जाएगा तो करेगा क्या। और तीसरा मोरल, पूरी दुनिया को कहेगा ये आतंकवादी है, ये यूं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, पूरी विश्व बरादरी को पहले लामबंद कर देता है, ये टेक्निक है। इसी तरह वो लाभी जो खटदर्शन है आप पर हर तरह का हमला करेगी, गांव में समाज में लोगों में अनायास ही आपका दुष्प्रचार करेंगे, इन्होंने देवी देवते छोड़े, इन्होंने भगवान छोड़ दिया, इन्होंने धर्म बदल दिया, ताकि दूसरा उस तरफ नहीं जा पाए।
ये क्यों करते हैं? मैं उदाहरण देता हूँ। एक दिन एक माता ने मुझे कहा, गुरुजी मेरा बेटा MSc टॉपर है, बड़ा ज्ञानी, बहुत अच्छा लड़का, बड़ा मात पितृ भक्त है, वो नाम नहीं ले रहा है, आप कृपा करो उस पर। वो मुझे आपके यहाँ मोटरसाइकिल पर छोड़ने भी आता है, लेने भी आता है, पर नाम नहीं लेता है। मैंने कहा, क्या खाता पीता होगा? बोला, ना 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 गुरु जी, कभी नहीं खाता। मैं बोला, फिर क्यों नाम ले रहा है? बोला, माँ, वो मुझे कहता है, माँ अगर साहब से दीक्षा लो तो पिंड के बाकी लोग, गांव के बाकी लोग जीने नहीं देते, जगह जगह हूटिंग करते हैं, इकट्ठे होकर के आएंगे, इसने देवते छोड़े, ईश्वर छोड़ा, वो शराबी कबाबी पूरे इकट्ठे होकर एक टेंशन देते हैं। देख लिया आइडिया, वो इस तरह से करेंगे। हाँ भैया, वो बम्बोरी वाले क्या ख्याल है? आपको भी तो ऐसा कहते होंगे, जो ऐसा कहने वाले लोग हैं वो खुद कैसे हैं? भ्रष्ट, दुष्ट। और धूर्त, उनको नहीं दिख रहा है कि आपने झूठ छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, परस्त्री गमन छोड़ दिया, पाप करना छोड़ दिया, तो वो धूर्त लोग नहीं है, राक्षस वृत्ति के नहीं है। निरंजन उनकी खोपड़ी में बैठकर आपसे टकराएगा तो ये अंदर से भी हमला करेगा, बाहर से भी करेगा। अंदर से हमला कैसे करेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष उत्पन्न करके आपका हृदय दूषित करेगा। बाहर से आपको ऐसी टेंशन देगा। दूसरा, बाहरी, तो वो लड़का माँ को बोला, माँ जो मैं साहेब की प्रीचिंग सुनता हूँ, इतना अच्छा कोई नहीं बोल रहा है, बड़े समाज सुधारक है, लेकिन समस्या ये है, इसलिए साहेब कह रहे हैं, शीश उतारे भुइंदरे तापर राखे पाँव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ, शर्तिया तुम्हारा जो भटका हुआ समाज है तुम्हारा विरोध करेगा, ठीक है, तुम्हें हूट करेगा, तुम्हें टेंशन देगा। अब साहब क्या कह रहे हैं, भक्ति में आने दो, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब होए। ये कुल मर्यादाएं क्या है? जो रस्म और रवाज बने हुए हैं कि स्थिति को यूं करना, दुल्हन आए तो देवते पर बलि चढ़ाना, यूं करना, ये है, पहले ये छोड़ना पड़ेगी। भय से रहित भक्त तब होए। पलटू साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, साहब ने अपने शब्द में बड़ा प्यारा शब्द कहा, जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमाणु, इंसान इंसान से ईर्ष्या किन किन चीजों के लिए करता है वो सुनो। अगर वो ताकतवर है तभी भी लोग ईर्ष्या करते हैं, पैसे वाला है तभी भी लोग ईर्ष्या करते हैं, और पढ़ने में अच्छा है, बुद्धिमान है तभी भी ईर्ष्या करेंगे, और सुंदर है तो भी ईर्ष्या करेंगे। ये सब आप देखते होंगे, लोग कहीं आपको व्यंग करेंगे, तंज कसेंगे, देवी देवता छोड़ दिए, धर्म छोड़ दिया, धर्मांतरण कर दिया, किसी को नहीं मानते। मेरे शब्दों में सुनो, दुनिया में दो नास्तिक हैं, एक है नास्तिक, नकारात्मक है, नास्त नकारात्मक है, जिसमें विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, उसको कहते हैं नास्तिक, जिसमें आस्था नहीं, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो बच्चे की तरह है। आप समझाओ मान जाएगा, तर्क दो मान जाएगा, मेरे पास भी
एक साइंटिस्ट आया, बोला विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर नहीं है। मैं बोला फिर ये सर्जन, बोला नेचुरल। मैं बोला तुम नेचर किसको मानते हो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेचुरल? व्हाट इज नेचुरल? नेचर, व्हाट इज नेचर? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये प्रकृति या नेचर? तुम ये कह रहे हो ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बोला आपकी आंखों में लेंस बने हैं, पलके हैं, सांस लेने के लिए नासिका है, कौन बनाया? तुम्हारे फेफड़े हैं, किडनी है, वो फिल्टर है बॉडी का, हार्ट मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी उंगलियों में ऐसे जॉइंट कौन दिया? तुम्हें नहीं लगता है कि पूरा सिस्टम बड़े सलीके से सोचकर बनाया हुआ? ऋतुएं बदल रही है, सभी चीज़ें हैं, हमारे जीवन का संसाधन यहाँ है, जल है, पृथ्वी के अंदर पूरे एलिमेंट है, तुम्हें नेचुरल दिख रहे हैं? तुम्हारी नानी ने बनाए? किसने बनाए? यूं कह सकते हम उस ताकत को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन एक ताकत है जो इस सब चीज़ के पीछे है। जिस दिन तुम अच्छे वैज्ञानिक हो जाओगे उस दिन तुम ईश्वर को नज़दीक से समझ पाओगे। ठीक है, तुम अभी वैज्ञानिक नहीं हो। अच्छा वैज्ञानिक जब ये पूरी व्यवस्था को देखता है तो जान जाता है किसी बहुत बड़े कलाकार का ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, टॉलस्टॉय भी कह रहे हैं वन गॉड वन लव वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्ता एक शक्ति है जो पूरी दुनिया का संचालन कर रही है, लेकिन वो उसे हम नहीं जान पा रहे। अदृश्य। आप ये नहीं कह सकते ईश्वर नहीं है, ये पूरा सिस्टम उसने बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कर दिया। दांत ऐसे बना दिए कि बादाम काटने के लिए डॉग टीथ दिया और चबाने के लिए जबड़े दिए, आगे दो दांत दिए सेब काटने के लिए। तो सेब तो आप, ये मैं, दो दांत ऐसे काट रहे, उंगलियां पूरी दी, फोल्ड हो रही। अगर ये फोल्ड नहीं होती तो काम कर सकना था? पैरों को ऐसे बनाया, ग्रिप करें, अंदर पूरा बॉडी का सिस्टम आपका एनिम सिस्टम बनाया, फेफड़े बनाए, ये कोई नॉर्मल आर्ट है क्या? ये प्रकृति हमारे जीवन के लिए सब संसाधन बनाए गए, ये उसके पावर की मौजूदगी दिखाती है। ठीक है, तो बंधु एक तो आपको, जब आप एक की उपासना कर रहे हैं तो सबकी उपासना हो रही है। बात बात को सींचते मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुतवाए फल खाए। आप घर के किसी मुखिया से मिले, बातचीत की, तो समझो सब घर के सभी लोगों से बात हो गई। घर के मुखिया मेंबर से बात नहीं हुई, बेटे से हुई, बहू से हुई, पोतरे से हुई, समझना किसी से भी नहीं हुई। मूल कबीरा कह चले, वाह मूल को पकड़ो ना। एक परमात्मा परम सत्ता की उपासना करने से पूरे ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। नानक एक को सुमरिय जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिय जो जल में जन्मे और मर जाए। सुनिए, आपको दूसरी दिक्कत क्या आएगी? पहले तो बाहर के दुनिया के लोग आपको बहुत मुश्किल करेंगे। ठीक है, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, बाकी वो क्यों करेंगे? उनको लोग, उनका ब्रेन वॉश करेंगे, इन्होंने देवी देवते छोड़ दिए। तो मैं कह रहा नास्तिक पहले वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, वो नास्तिक है। महानास्तिक है दूसरा महानास्तिक कौन है? जो कहता है हम सबको मान रहे हैं, वो महानास्तिक है। वो प्रेम की गली में दो नहीं समा सकते हैं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाए। प्रेम की एक वृत्ति है, एक ही जगह कंसंट्रेट होता है, डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए वो महानास्तिक है। और वो काम भी सभी कर रहा है, मानता भी सबको, मांस भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, आड़े टेढ़े काम भी कर रहा है और आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। आपने तो दुनिया छोड़ी, झूठ छोड़ा, छल कपट छोड़ी, आपको बिल्कुल बौना बना रहा है, एक ही बहाना बनाकर देवी देवते छोड़ दिए। ये प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी।